जुजुत्सु काइज़न वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे सीरीज है। जुजुत्सु काइज़न सीजन 1, 2 और इसकी मूवी को देखने के बाद फैंस सोच रहे हैं कि इसका सीजन 3 कब आएगा। अब देखो सीजन 3 कब आएगा ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर जेजे के फैंस के मन में एक और सवाल है कि अब क्या देखा जाए जिसमें जुजुत्सु काइज़न इतना ही मजा आए। तो डोंट वरी अगर ढूंढ ढूंढ कर थक गए हो, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 बेस्ट एनिमे सीरीज के बारे में, जिन एनिमे सीरीज को देखने के बाद आपको उतना ही मजा आएगा जितना मजा आपको जुजुत्सु काइज़न देखते वक्त आया था। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा सभी जेजे के लवर्स के लिए, एनिमे लवर्स के लिए। पर सबसे पहले कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लो डेली अमेजिंग इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। हेलो गाइस, यू आर वॉचिंग फैक्टोलिश। नंबर 5, चेंसो मैन। अब देखो अगर आपने जुजुत्सु काइज़न देखा है तो इस एनिमे सीरीज के बारे में सुना जरूर होगा, और आई थिंक आप में से ज्यादातर लोगों ने तो देखा भी होगा। बट अगर नहीं देखा है तो ये एनिमे सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। जुजुत्सु काइज़न चेंसो मैन के बीच आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। दोनों ही एनिमे सीरीज के जो मेन कैरेक्टर हैं, दोनों को ही स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है अपने न्यू पावर, न्यू रोल और न्यू एबिलिटी को समझने के लिए। दोनों ही कैरेक्टर फैंस के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है और फैंस को काफी पसंद है। इतना ही नहीं दोस्तों, चेंसो मैन के सिर्फ 12 एपिसोड है जिसे आप एक दिन में खत्म कर सकते हो, तो करो ना अगर नहीं किए। और हाँ, ये हिंदी डब में भी आपको मिल जाएगा, तो अगर आप इसका मजा हिंदी में लेना चाहते हो तो हिंदी में भी ले सकते हो। रेटिंग की बात करूँ तो IMDB पर 8.4 की रेटिंग है, माई एनिमे लिस्ट पर 8.5 की रेटिंग है और क्रंची रोल पर 4.9 की रेटिंग है, जिस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये एनिमे सीरीज कितना मस्त है। नंबर 4, डीमन स्लेयर। अब ये एनिमे सीरीज एक बहुत ही अच्छा एनिमे सीरीज है किसी को रिकमेंड करने के लिए, और खास करके अगर सामने वाला जेजे के लवर है तो उसे तो आप इस एनिमे सीरीज के बारे में बता ही सकते हो। और खास करके इसका जो एक्शन सीक्वेंस है उसे देखकर तो जेजे के लवर्स पागल होने वाले हैं। मतलब कि आप डीमन स्लेयर एनिमे सीरीज में जो एक्शन दिखाए गए हैं उसे काफी ज्यादा अप्रिसिएट करने वाले हो। दोस्तों अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो IMDB पर 8.6 की रेटिंग है और क्रंची रोल पर 4.9 की रेटिंग है। मतलब रेटिंग के मामले में भी ये A1 क्वालिटी एनिमे सीरीज। और हाँ, एक स्पेशल चीज बता दूं कि इसका न्यू सीजन आने वाला है 12 मई को, तो दोस्तों अगर अभी तक नहीं देखे हो तो आज ही से देखना स्टार्ट करो, और जब तक इसका न्यू सीजन आएगा तब तक आप इसके प्रीवियस सभी एपिसोड्स कंप्लीट कर चुके होंगे। जाओ देखो, और हाँ ये भी हिंदी डब में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आपकी चॉइस है, आप हिंदी में देखना चाहते हो या जापानीज में या फिर इंग्लिश में। वेल, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 पर जिन एनिमे सीरीज के बारे में बताने वाला हूं, तो वो बताने से पहले कहना चाहता हूं कि अगर आपको डीमन स्लेयर रिलेटेड टी शर्ट पहनना है या फिर किसी भी एनिमे रिलेटेड टी शर्ट खरीदना है तो आप खरीद सकते हो सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। आप सभी के लिए डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, और हाँ ऑनलाइन पेमेंट की टेंशन मत लो क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। वापस आते हैं हम अपने वीडियो के टॉपिक पर। नंबर 3, सोल ईटर। दोस्तों ये एक ऐसा एनिमे सीरीज है जो कि आपको जुजुत्सु काइज़न वाला वाइब तो देगा, साथ ही साथ आपको एक न्यू एक्सपीरियंस भी देगा। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो माई एनिमे लिस्ट पर और IMDB पर 7.8 की रेटिंग है, और अगर मैं क्रंची रोल की बात करूँ तो क्रंची रोल पर 4.8 की रेटिंग है। मतलब कि रेटिंग के मामले में बिल्कुल ठीक है। इसके टोटल 51 एपिसोड्स हैं, तो वेट क्या कर रहे हो, जाओ देखो। नंबर 2, मोव साइको 100। इसका एनिमेशन आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। मतलब कि एक इलेक्ट्रिफाइंग एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा इस एनिमे सीरीज में। दोस्तों ये एनिमे सीरीज फोकस करती है मोव नाम के एक लड़के पर जो कि एक इंट्रोवर्ट है विद काइंड हार्ट लाइक मी। खैर इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, पर आपको बताकर मैं आपका मजा किरकिरा नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज आई हेट स्पॉयलर्स, और मैं जानता हूँ कि ज्यादातर एनिमे लवर्स स्पॉयलर्स नहीं चाहते हैं। इसी वजह से दोस्तों मैं आपको एनिमे सीरीज के बारे में ज्यादा नहीं बताता हूँ, उतना ही बताता हूँ जितना की सही है। खैर अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो IMDB पर 8.6 की और माई एनिमे लिस्ट पर 8.5 की रेटिंग है, और अगर मैं क्रंची रोल की बात करूँ तो 4.9 की रेटिंग है। तो क्या सोच रहे हो, देखने का प्लान है या नहीं? दोस्तों जिन एनिमे सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया, अगर आपने ऑलरेडी देखा है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें और लोगों का फीडबैक भी मिल सके। वेल, नंबर 1 की बारी है, पर नंबर 1 बताने से पहले कहूंगा कि अगर इंस्टाग्राम पर फैक्टोलिश को फॉलो नहीं किए हो तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर बहुत कुछ चल रहा है। तो जाओ इंस्टाग्राम पर भी फैक्टोलिश को फॉलो करो, पर इस वीडियो को देखने के बाद करना। और दोस्तों अगर वीडियो यहां तक देख रहे हो इसका मतलब पसंद आ रहा है वीडियो, तो लाइक क्यों नहीं किया अभी तक, लाइक करो, और अगर कर दिए हो तो थैंक यू। और हां, सच्चे एनिमे फैंस हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 1, नारुतो। अब नारुतो को नंबर 1 पर मैंने इसीलिए रखा है, अगर आपको जुजुत्सु काइज़न सीजन 1, 2 देखने के बाद मन में ये ख्याल आया है कि इसके इतने कम ही एपिसोड्स क्यों हैं, मुझे और एपिसोड्स देखने थे, तो दोस्तों नारुतो जाकर देखो। 700 एपिसोड्स हैं नारुतो, नारुतो शिपुडेन मिलाकर, वो भी कम पड़ जाए तो उसके बाद बोरुतो भी देख सकते हो। और हाँ एक चीज बस बोलूंगा, अगर तुमने सिर्फ जुजुत्सु काइज़न देखा है, नारुतो या नारुतो शिपुडेन नहीं देखा है, तो नारुतो नारुतो शिपुडेन देखने के बाद ये मत बोलना
कि ये तो जुजुत्सु काइसन की कॉपी है। आई होप दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको मजा आया हो, और अगर आप सच्चे जेजे के लवर हो तो आपके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बेस्ट और स्ट्रॉन्ग डोमेन एक्सपेंशन के बारे में बात किया है। जो वीडियो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा तो उस वीडियो को देख लेना, पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो फैक्टोलिश।